में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जेम पोर्टल में टेंडर कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। टेंडर ओपन करने का प्रॉपर प्रोसेस कैसा रहता है, यहाँ पे टेक्निकल एंड फाइनेंस दोनों हम कैसे खोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कैसे चेक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करते हैं, कोई क्लेरिफिकेशन के लिए उनको भेजना है तो वो कैसे भेज सकते, साथ में माई रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और हमारे पास जेम पोर्टल्स के बायर और सेलर के ट्रेनिंग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप यदि अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर के दोनों के प्रॉपर हम पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग हमारे L1 की भी है, तो L1 की भी आप ट्रेनिंग हमारे पास अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग टेंडर खोलेंगे, तो इसके लिए हम डैशबोर्ड्स में जाएंगे। यहाँ पे बीड लिस्ट ऑफ बीड्स जो हमारे टेंडर पब्लिश हुए हैं ड्राफ्ट में है, यहाँ पे सभी अपने को वो सभी चीज दिखते हैं। पब्लिश बीड जो टेंडर पब्लिश हो गए हैं, यदि ऑक्शन में कोई टेंडर पब्लिश हुआ है तो यहाँ दिखेगा, ऑक्शन में कोई ड्राफ्ट में है तो यहाँ दिखेगा, बीड टू आर ए कोई टेंडर को बीड से ऑक्शन में गया तो यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे व्यू पब्लिश्ड, व्यू ऑल पब्लिश बीड टिल डेट, यहाँ पे जो भी टेंडर पब्लिश हुए हैं वो आपको दिखते हैं। टोटल 23 नंबर ऑफ पार्टिसिपेट आए, डेज रिमेनिंग 29 डेज के अंदर अपने को टेंडर खोल के फाइनल करना होता है। इन डेट 21/3 को था और हम ये टेंडर को अभी खोल सकते हैं। ओपन बिड, जैसे ओपन करेंगे सबसे पहला एक ओटीपी जाएगा बायर को, ओटीपी आपको डाल देना है, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। व्यू डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, व्यू डॉक्यूमेंट्स, और यदि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में डाउट रहा तो आप उसको क्लेरिफिकेशन के लिए यहाँ से भेज सकते हैं। मैं आपको एक एक दिखाता हूँ, व्यू डॉक्यूमेंट्स एंड से क्लेरिफिकेशन, देखिए तो यहाँ पे है, आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड ऑल करके सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और आप यहाँ से उनके हिस्ट्री देख सकते हो क्लेरिफिकेशन का। यदि कोई से आपको क्लेरिफिकेशन के लिए कुछ करना है तो आप यहाँ से उनको दे सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका गलत है, तो आप उसके लिए क्रिएट भी कर सकते हो। आप यहाँ पर डिटेल्स डाल दीजिए तो ऑटोमेटिकली सेलर को क्लेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, 2 दिन का उनको टाइम मिलेगा, जो भी आपने डेज डाले हैं उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट कर पाएंगे। नहीं आपको क्लेरिफिकेशन देना है, ओके है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। एक्सपीरियंस जैसे है इसका, तो आप यहाँ से पीडीएफ फाइल इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ये ओके है कि नहीं। देखिए यहाँ से आपको मिल जाता है, जैसे अपने को डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, मैं आपको ये दिखा दिया पूरा डॉक्यूमेंट आपको देखना है तो आप यहाँ से पूरा एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये आपके डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेट यदि कुछ रहता है तो आपको यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ से आप व्यू पहले डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके बाद वेरीफाई स्पेसिफिकेशन, जो एज पर टेंडर में स्पेसिफिकेशन था वो प्रॉपर है क्या, तो आप यहाँ से वेरीफाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेक मॉडल नंबर वगैरह डाला हुआ नहीं है क्योंकि ये बीओ के बीड था, यदि नॉर्मल बीड होता तो यहाँ पे डाला हुआ रहता और आप यहाँ से देख सकते थे। तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। एक्सेप्ट रीजन टेक्निकल क्वालिफाई, ओके हमने डाल दिया, टेक्निकल में ये क्वालिफाई हो चुका है, एड कमेंट एंड एक्सेप्ट। ओके ये एक्सेप्ट हो चुका, देखिए आप टिका गया। सेकंड फिर से ये आया, इसको भी आप यहाँ पे एड कमेंट, हो गया तीनों कंफर्म। यदि आप किसी को रिजेक्ट करते हैं तो 2 दिन के लिए फिर से आपका चला जाएगा, और फिर 2 दिन का इनको सिक क्लेरिफिकेशन भेजना पड़ेगा। यदि आप डिस्क्वालीफाई करते हैं तो आप टेंडर को फिर से ओपन नहीं कर सकते थे, फिर 2 दिन के बाद ही आपको ओपन करना पड़ेगा। यदि आप उनकी वैलिडिटी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कन्फर्म टेक्निकल रेगुलेशन एंड नोटिफाइड बिडर्स,
अब ये बिडर को एसएमएस भी चला जाएगा और मेल भी चला जाएगा। डू यू वॉन्ट टू अपलोड टीआर टेक्निकल इवोल्यूशन रिपोर्ट, कोई टेक्निकल इवोल्यूशन का रिपोर्ट है तो आप ये सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए और वहां से वो फाइल अपलोड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं नो एंड सब। तो हम लोगों ने सबको क्वालिफाई कर दिया। ऑफन अभी हम लोग फाइनेंस बिट पढ़ेंगे, यहाँ से फाइनेंस बिट, फिर से ये ओटीपी जाएगा, अभी ओटीपी लेना पड़ेगा और ओटीपी के बाद हम लोग इसका फाइनेंस बिट। मैंने यहाँ से ओटीपी सेस को वेरीफाई कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे टेक्निकल इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, फाइनेंस इवोल्यूशन में हम लोग आ चुके। यहाँ से आप देख सकते हैं फाइनेंस में L1 कौन है, ये मुझे यहाँ पे दिख जा रहा है जो L1 यहाँ पे कौन है, कितने रेट में कोट किया है, यहाँ से आपको पता चल। अभी ओपन फाइनेंशियल बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तीन लोग दिखना चालू हो गए, L1 कौन था, L2 कौन था और L3 कौन था, सबके नाम वगैरह भी दिख रहे। आप इनके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, जैसे मुझे अभी L1 के साथ लग रहा है कि L1 जो रेट डाला है वो ज्यादा डाला है, उसके साथ मुझे कुछ नेगोशिएट करना है, तो नीड टू नेगोशिएट भी हम कर सकते हैं। तो आप सिलेक्ट रीजन, क्यों नेगोशिएट करना चाहते हो, और फिर उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, सेव जैसे करेंगे तो उनके आगे वाले के पास नेगोशिएट के लिए ऑप्शन चला जाएगा, तो वो आप वहां से उसको नेगोशिएट करके वो उससे भी रेट में कम है, आप उनके साथ बोल सकते हैं कि आप इससे रेट को कम करो, ये बायर के ऊपर। यदि मुझे नहीं लग रहा कि प्रॉपर है तो क्रिएट ड्राफ्ट, क्रिएट डिमांड एंड ड्राफ्ट ऑर्डर, यस। शायद ये ड्राफ्ट डिमांड क्रिएट नहीं हुआ, फिर से और एक बार जाना पड़ेगा। ये ड्राफ्ट क्रिएट नहीं हो रहा है यानी कोई वजह से, मैं होने के बाद आपको ये फिर से अपडेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है सभी और हम लोगों ने इसको कर दिया है, तो कोई पेमेंट के बारे में आ गया, तो यहाँ से आप पेमेंट ऑथोरिटी का नाम कौन है, सिविल सर्जन, डेजिग्नेशन सिविल सर्जन, आपको किसके नाम से इनवॉइस बनाना है वो डिटेल्स, और इनका जो आपका अप्रूवल है, जो ये आप टेंडर निकालने वाले थे उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना, यहाँ से इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूँ। कंटिन्यू, इसको एक्सेप्ट एंड ये हो गया, आप यहां से सेंशन ऑर्डर मिल जाएगा आपको। अब इसको वेरीफाई भी तो ओटीपी कर दीजिए, आपका ये वैलिडिटी हो जाए। मुझे यहाँ पे ओटीपी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ओटीपी डालेंगे टेंडर मेरा पूरी तरीके से बिड अवार्ड हो जाए। ये पूरा प्रोसीजर है, फिर सेलर को उनके आईडी पे देखना चालू हो जाएगा ऑर्डर्स में क्या आप उनका ऑर्डर, फिर सेलर उनका इनवॉइस जनरेट करेगा और फिर डिलीवरी करेगा, उसके बाद
बायर सीआरसी जो कंसाइनी है उनको सीआरसी जनरेट करना पड़ेगा। सीआरसी कैसे जनरेट करते हैं, सीआरसी और पीआरसी, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाद में उनका पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे मुझे ओटीपी मिल चुका है और देखिए यहाँ पे सबके ऑर्डर रिलीज हो चुके हैं, सबके रेट्स आ चुके हैं, आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर दे सकते हैं। अभी ये बीड में जाके हम लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बीड और यहाँ पे व्यू ऑल बीड्स, देखिए टेक्निकल फाइनल भी हो गया और ये टेक्निकल और फाइनल दोनों ओपन हो गया और ये फाइनल भी हो गया। यहाँ से फिर से आप यहाँ पे ओपन करके इसको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गो टू ऑर्डर पेज करेंगे तो ये आपको ऑर्डर्स के पेज पे लेके चला जाएगा, ये आपको ऑर्डर्स हो चुका है। यहाँ से आपको सीआरसी जनरेट करना पड़ेगा, इसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बना के बताया।